हेलो गाइस, टेक टेल्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके फ्लिपकार्ट ऐप में जो है आपके डेबिट कार्ड और या फिर क्रेडिट कार्ड, अगर आप उसको जो है ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे ऐड करते हैं, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। पहले तो आप इसको जो है ईजिली ऐड कर सकते थे, बट RBI के एक नए रूल्स रेगुलेशन की वजह से आप जो है कार्ड्स को अपने ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको ऐड करने के लिए आपको जो है अकाउंट्स में जाते थे, आप अकाउंट्स में जाने के बाद जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सेव कार्ड एंड वैलेट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको ओपन कीजिए। यहाँ पे आपके जितने भी सेव कार्ड्स रहते हैं वो आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको जो है एक न्यू कार्ड को ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कहीं पर भी आपको न्यू कार्ड ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप कार्ड को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप कार्ड को जो है यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, बट एक न्यू कार्ड को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि न्यू RBI रूल्स की वजह से। अगर आपको फिर भी कार्ड को ऐड करना है तो मैं आपके लिए और एक भी सोल्यूशन लेके आया हूँ कार्ड को ऐड करने के लिए। कार्ड को ऐड करने के लिए जो है दोस्तों, कुछ भी रैंडमली कुछ भी एक प्रोडक्ट आपको जो है ऑर्डर करना है कार्ड से आपके, जैसे आप उसको जो है ऑर्डर करेंगे वो जो है आपके ऐप में सेव हो जाएगा, फ्लिपकार्ट अकाउंट में सेव हो जाएगा। तो जो भी कुछ भी एक रैंडमली प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, आपका जो एड्रेस वगैरह है वो सारे चीज़ें जो है आपको इंटर करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपको जो है जो कार्ड को आपको सेव करना है वो कार्ड से आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। वो डिलीवरी कन्फर्म होने के बाद जो है आप उसको जो है कैंसिल कर सकते हैं। सिर्फ कार्ड को सेव करने के लिए ये मेथड आपको ट्राई करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो कार्ड है वो सेव हो जाएगा। वो जो है कुछ भी एक रैंडम प्रोडक्ट जो है ऑर्डर करके आपके कार्ड से उसको जो है कैंसिल कीजिए ऑर्डर को, ठीक है, तब जाके आपका कार्ड सेव हो जाएगा। तो यही तरीके से आप अपने फ्लिपकार्ट में जो है कार्ड्स को, डेबिट हो या क्रेडिट कार्ड को सेव कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी मेथड आपको अब जो है नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो। अगर आ गया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच।